आई एम नॉट सेइंग आपकी लाइफ में नेगेटिव नहीं हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आँख बंद कर लो, मैं आपसे कह रहा हूँ व्हेन यू कम्युनिकेट विद पीपल, देखो लोगों का एक नेचर होता है, अगर आपने उससे बात करी क्या चल रहा है या उसने आपसे बात करी क्या चल रहा है, आप बोलते हो यार ये बहुत इंडस्ट्री डाउन है, फिर क्या होता है वो उस बात को क्या करेगा, उठाएगा या नीचे दबाएगा, उठाएगा, कहता है यार मैंने भी कल पढ़ा था 100 लोग उसने निकाल दिए, अच्छा 100 निकाल दिए, तुम 3 निकालने की भी तैयारी करना चालू कर देती हो, और फिर वो आधा घंटा बात होती है तो तुम्हें लगता है यार कि भाई काम होगा कि नहीं होगा आगे जाके, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि आपके पास कुछ न्यूज आई तो आप उस न्यूज को जब आगे पास करते हो तो आप अपना दिमाग लगा के पास करते हो, नहीं करते हो, आप कॉन्ट्रीब्यूटरी हो नहीं बाय नेचर, तो अगर 100 लोग छोड़ के गए आपको मालूम पड़ता है, आप जब तीसरे को बताते हो तो 120 करते हो नहीं करते, और वो आगे 120 का वो 150 करता है, 150 के बाद वो 200 होता है, जब लौट के न्यूज आपके पास आती है तो मालूम पड़ता है कंपनी बंद है। दैट इज द वे इट इज, सो आई एम सेइंग यू शुड लर्न दैट यू शुड नॉट बी द बेरर ऑफ नेगेटिव न्यूज, बी द बेरर ऑफ पॉजिटिव न्यूज। तो क्या होता है, कैसे करते हैं, एक सिंपल सा स्टाइल यूज करो, ऑलवेज ask positive questions. So what could be a positive question? So आप जब मिलते हो ना किसी को तो आपका सवाल क्या होता है, भाई क्या चल रहा है, कभी मत पूछो क्या चल रहा है क्योंकि लाइफ में कुछ नहीं चल रहा होता है। हाँ, you should ask a positive question. The positive question is, what's new happening in life? Is that a positive question? अब वो मजबूर, what's new? क्योंकि पूछा है, जवाब देना पड़ेगा। उसको वो सोच रहा है, मजबूर है। Ask him, what's great happening in life? पूछो ना, वो मजबूर हो जाएगा आपको बताने में। यार, अरे कल बच्चे ने ऐसा कर दिया, he got an A in school, उसके लाइफ में कुछ नहीं है, बच्चे का बताएगा, बच्चे का नहीं होता घर का बताएगा, घर नहीं होता भाई का तो बताएगा कि नहीं भाई आई है घर में, कुछ तो बताएगा बाबा। एटलीस्ट सम कॉन्वर्सेशन विल मूव इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। एज आप लीडर हो के नहीं, आपके मुंह से पॉजिटिव बातें निकलनी चाहिए।